हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडोफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के बारे में। इसका हम लोग मैथमेटिकल मीनिंग देखेंगे, साथ ही साथ फिजिकल मीनिंग में इसको हम डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड को समझने से पहले हमें समझना होगा स्केलर फील्ड क्या होता है। तो स्केलर फील्ड मतलब एक ऐसा फील्ड हम कह सकते हैं या एक ऐसा स्पेस कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ऐसा स्पेस हम कह सकते हैं जिसमें जिसके हर पॉइंट पे हम कोई भी स्केलर वैल्यू को एसोसिएट कर पाएँ, उसको हम कहेंगे स्केलर फील्ड। तो ये हमारा जो स्पेस होगा वो क्या कहलाएगा? स्केलर फील्ड, क्योंकि हम यहाँ पर हर स्केलर वैल्यू को एसोसिएट कर पा रहे हैं। अब मैं आपको स्केलर फील्ड को एग्जाम्पल से समझाऊँगा, जैसे कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? जैसे मान लीजिए ये हमारा स्पेस है, तो इस स्पेस में कहीं ना कहीं मतलब हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा। इस स्पेस में हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। अब टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो हम स्पेस में अगर स्केलर वैल्यू को एसोसिएट करें तो हम उसको कहेंगे स्केलर फील्ड। एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया कि टेम्परेचर, जो कि हमारा स्पेस में हर जगह कुछ ना कुछ है। मान लीजिए यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब हर जगह टेम्परेचर की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर फील्ड। और ग्रेडियंट जो होता है वो स्केलर फील्ड का होता है। अब चलिए मैथमेटिकल इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका फिजिकल मीनिंग जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिकली अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का कोई फंक्शन हम लेते हैं, देन द ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ग्रेडियंट जो होगा फंक्शन का, जो ग्रेडियंट होगा उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसको आप ग्रेड एफ भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में ग्रेड एफ इस तरह से भी लिख सकते हैं, और हम लोग डेल्टा एफ भी लिख सकते हैं, यानी डेल एफ आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो ग्रेडियंट का जो होता है, जैसे किसी फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होता है, वो होता है डेल एफ इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी कि हम उस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, फिर उसके बाद आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में उसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जे कैप, फिर उसके बाद डेल एफ अपॉन डेल जेड यानी के कैप, यानी कि जेड के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये आई जे के क्या है? ये है यूनिट वेक्टर्स जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये हमने जाना ग्रेडियंट किसी फंक्शन का क्या होता है। एक यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा, फिर उसके बाद मैं इसके फिजिकल मीनिंग आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया है एक्स वाई जेड, तो अब हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे यानी डेल एफ निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वन होता है, बाकी ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। तो एक्स वेरिएबल है तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वन। तो यहाँ पर हो जाएगा वन इंटू वाई जेड आई कैप प्लस, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो हो जाएगा एक्स जेड जे कैप, फिर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई के कैप। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंशिएशन यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरह से आप लिखते थे डी एफ अपॉन डी एक्स और यहाँ पे डेल लगा हुआ, क्यों? तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट कब करते हैं? जब हम एक्स वाई जेड यानी तीनों के टर्म में लेते हैं, और जब हम पर्टिकुलर केवल एक ही डायरेक्शन में एक्स के एक्सिस पर पढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं? कंप्लीट डिफरेंशिएशन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई फंक्शन ले रहे हैं एक्स वाई एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वो बढ़ेगा, मान लीजिए एक्स में केवल चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है? एक्स में चेंज हो रहा है, वाई और जेड में चेंज नहीं हो रहा है। अब एफ एक्स वाई जेड कोई फंक्शन है और एक्स में चेंज हो रहा है तो फंक्शन में भी चेंज होगा, एक्स में जब चेंज हो रहा है तो फंक्शन में भी चेंज होगा, भले वाई जेड में चेंज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लॉजिक बनता है कि हमें क्या करना होगा? पार्शियली डिफरेंशिएट, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों पर फंक्शन डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तीनों पे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया? पार्शियली डिफरेंशिएट। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर, यहाँ पे आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। अब हम आते हैं ग्रेडियंट के फिजिकल मीनिंग पे। ये आपने मैथमेटिकल समझ लिया होगा ये फॉर्मूला, फिजिकल मीनिंग चलिए देखते हैं। तो ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? मान लीजिए हमने यहाँ पे दो सर्फेसिस यहाँ पे कंसीडर किए हैं, यहाँ पे एक ए पॉइंट दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए सी पॉइंट, यहाँ पे डी पॉइंट, यहाँ पे मान लीजिए हमने बीच में सेंटर में ई पॉइंट दे दिया। तो अब यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए कोई मार्बल है, यहाँ से यहाँ पे आना है तो वो ये पाथ पे भी आ सकता है, ये पाथ पे भी आ सकता है, ये पाथ भी आ सकता है, मतलब कि वर्टिकली भी आ सकता है, थोड़ा सा कर्व होके भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। तो ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट जो होता है वो होता है स्टीपेस्ट
पाथ कह सकते हैं हम, स्टीपेस्ट पाथ या फिर स्टीपेस्ट डिसेंट भी कह सकते हैं, वो ग्रेडियंट होता है। मतलब कि एकदम ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, वर्टिकल। मतलब फंक्शन जो होना चाहिए वो मोर रैपिडली इंक्रीज हो, फंक्शन का जो रेट हो वो रैपिडली हो। तो हमारा जो ये होगा क्या नाम है, ये बीच वाली लाइन, यहाँ पे जो पॉइंट है ये हमारे ग्रेडियंट को शो करेगा। किसको शो करेगा, ग्रेडियंट को। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक माउंटेन है। अब माउंटेन पे आप जानते हैं इस तरह से चारों तरफ ऐसे ऐसे रास्ते बने होते हैं, ऐसे ऐसे रास्ते पे हम चढ़ के ऐसे नीचे आ सकते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे घूम के हम नीचे ऐसे आते हैं, आपको मालूम है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ पहुँच रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये आपका स्टीपेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि ऐसे जब घूमेंगे आप तो आपका स्लोप क्या होगा, कम होगा। और हमें ग्रेडियंट क्या बताता है कि एकदम ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, वर्टिकली होना चाहिए। मतलब ये इस तरह से अगर आप आ रहे हैं इस तरह से, तो ये आपके किसको दर्शाएगा, ग्रेडियंट को। किसको दर्शाएगा, ग्रेडियंट को। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमने जाना ग्रेडियंट के बारे में। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज ए वैक्टर फील्ड। जो ग्रेडियंट होता है स्केलर फील्ड का, वो होता है वैक्टर फील्ड। एट एनी पॉइंट ऑफ विच द वैक्टर हैज़ ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मोस्ट रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट। यानी फंक्शन में क्या होना चाहिए, मोस्ट रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज, इस तरह से, ना कि इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मोस्ट रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज को हम ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट एक चीज़ और डिफाइन करता है, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज को भी डिफाइन करता है। मतलब मैक्सिमम रेट को तो डिफाइन कर रहा है ये, कि भाई ठीक है यहाँ पे मैक्सिमम रेट है तो ये हमारा ग्रेडियंट कहलाएगा। ये मैक्सिमम रेट के डायरेक्शन को भी डिफाइन करता है। कैसे, चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक स्पेस लिया है, मान लीजिए रूम ले लिया, तो इस रूम में कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा। मान लेते हैं यहाँ फंक्शन है एफ एक्स वाई, मान लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को तो मान लिया, अब ग्रेडियंट क्या दिखाएगा, ग्रेडियंट हमको ये दिखाएगा कि भैया रूम में जो टेम्परेचर वो मैक्सिमम कहाँ है और उसकी डायरेक्शन कहाँ है। तो हम इसका क्या करेंगे, डेल एफ़ निकाल लेंगे सिंपली। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि मतलब मोस्ट रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर का कहाँ पे है, तो ये हमको पता चल जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेडियंट जो होता है स्केलर फील्ड का, वो वेक्टर कैसे आता है। तो पहली चीज़ आप मैथमेटिकल डिफिनेशन से देख लें, यहाँ पे आई जे के कैप है, तो इसीलिए ये क्या होता है, ग्रेडियंट स्केलर फील्ड का क्या होता है, वेक्टर होता है। और एक मैं और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एफ़ इज़ इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ वी। यानी ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम ग्रेडियंट कर दें तो फोर्स के बराबर होता है। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। हम इसका ग्रेडियंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ माइनस हमने लिया है, अब माइनस क्यों लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ भाई। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए कोई चीज़ नीचे की तरफ इस तरह गिर रही है, वर्टिकली, एकदम वर्टिकली गिर रही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, माइनस डेल एफ ले सकते हैं, क्योंकि भाई डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर नीचे से ऊपर की तरफ होती तो आप डेल एफ केवल सिंपली ले सकते थे। तो ये हमने समझा ग्रेडियंट के बारे में, साथ ही साथ हमने कुछ और डिस्कस किया। चलिए एक न्यूमेरिकल और लगा लेते हैं छोटा सा ग्रेडियंट के ऊपर। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स वाई जेड, ताकि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, यानी कि डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप, इसका हम निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारा वेरिएबल क्या होगा, x होगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x, और यहाँ पे केवल x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और वाई जेड, ये हमारा आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा किसका आ गया, आई कैप। अब इसका हम करेंगे, तो इसका जब करेंगे तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा इसके लिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2xz, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2xzz कैप। फिर इसका हम करेंगे डेल एफ पॉइंट डेल जेड का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और एक्स वाई, ये हमारा आ गया ग्रेडियंट इस फंक्शन का। तो हमने यहाँ पे समझा ग्रेडियंट। तो आप बहुत ही आसानी से ग्रेडियंट निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का, आपको क्या करना है, सिंपली पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। मैं कुछ और एग्जांपल आप कहें तो दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, एफ एक्स वाई जेड मैं ले लेता हूँ, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेता हूँ, साइन एक्स प्लस एक्स वाई जेड, साइन एक्स प्लस एक्स वाई जेड, इसको मैंने ले लिया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप
प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप, सिंपल है। फिर यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक्स है तो डिफरेंशिएशन होगा, और प्लस वाई जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप। ठीक है, जैसे यहाँ पे करेंगे तो साइन एक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, एक्स जेड बचेगा जे कैप। प्लस यहाँ पे फिर से करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो हमारा साइन एक्स फिर जीरो हो जाएगा और हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा बचेगा एक्स वाई के कैप। तो इस तरह से आपने समझा ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, और जो ग्रेडियंट होता है स्केलर फील्ड का वो क्या मिलता है हमको, वेक्टर मिलता है, इसको भी हमने यहाँ पे समझा। तो ये था ग्रेडियंट के ऊपर वीडियो, आगे की वीडियो में हम लोग कुछ और मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।